नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा में। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की थी राजीव दीक्षित जी के रहस्यमय ईंधन के बारे में, उनके स्वदेशी आंदोलन के बारे में। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में राजीव दीक्षित जी के किए हुए कुछ अचंभित कर देने वाले दावे। शादी न करने वाले राजीव दीक्षित जी अपनी बात मनवाने के लिए भावना प्रधान दावे पेश करते थे। उनका पहला दावा था 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी पर उनका मानना था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था जिसमें भारत के गरीब लोगों को शिकार बनाया गया। राजीव जी लंबे समय तक इस हादसे की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। आइए देखते हैं उनके इस दावे का कुछ छोटा सा अंश। एक अमेरिकन कंपनी हमारे यहाँ आई थी यूनियन कार्बाइड, उसको एक ऐसा जहर बनाना था जो दुनिया में कहीं नहीं बनता। उसको वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के लिए इस्तेमाल करना, उसका नाम उन्होंने रखा था 777777, ब्रांड नेम था। तो दोस्तों आइए जानते हैं उनका दूसरा दावा। अमेरिका में हुए 9/11 यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए हमले को राजीव दीक्षित जी खुद अमेरिका द्वारा कराया गया हमला मानते थे। अमेरिका में लोन लेंटर्स सोसाइटी ने इस बात को उठाया था और राजीव दीक्षित जी इसका पूर्ण तरीके से समर्थन करते थे। दुनिया को हमने जो फोटोग्राफ जारी किए थे हवाई जहाज से बम गिराते हुए, वो फोटोग्राफ में जापान के दो नागरिकों को पायलट की सीट पर बांधकर बिठाया हुआ था, साथ में अमेरिकन्स बैठे हुए थे और दुनिया को चिट्ठी और फोटो दिखाए गए कि देखो ये जापानी है जो बम गिरा रहे हैं, वास्तव में वो अमेरिकन्स ने गिराए थे। इसमें आपके देश का बहुत नुकसान हुआ है, हम आपके नुकसान की भरपाई कर चुके हैं, हम आपको मदद दे चुके हैं, आगे भी देते रहेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं उनका तीसरा दावा। राजीव जी के मुताबिक यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर इसलिए कर दिया गया ताकि भारतीयों को बेवकूफ बनाया जा सके। ऐसे नाम की वजह से भारतीयों को लगेगा कि यह एक भारतीय कंपनी है और वो इसका सामान खरीदने में कदापि हिचकिचाएंगे नहीं। राजीव दीक्षित जी का चौथा दावा था बीफ खाने की वजह से ही ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को धमकी दे डाली थी कि अगर उन्होंने देश में या पश्चिम बंगाल में बीफ बैन कराया तो ममता वाजपेयी सरकार गिरवा देंगी। इस कत्ल खाने को बंद कराओ, फिर उसके बाद और जो कत्ल खाने चल रहे हैं उनको बंद कराओ, फिर विदर्भ के सबको बंद कराओ, फिर महाराष्ट्र के बंद कराओ, फिर पूरे देश के बंद कराओ। और अगर आपने ये कत्ल खाना बंद करा लिया तो रास्ता खुल जाएगा बाकी सब कत्ल खानों के बंद होने के लिए। दोस्तों आइए जानते हैं राजीव दीक्षित जी का पांचवा दावा। राजीव जी का दावा था कि नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी में सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है और उसकी चर्बी का भी इस्तेमाल होता है। कोका कोला जैसे एक पेय में भी तेजाब होने की बात राजीव दीक्षित जी ने कही। आइए जानते हैं उनका छठा दावा। अपने एक व्याख्यान में राजीव जी ने दावा किया कि अमिताभ बच्चन जी के साथ उनकी बातचीत में अमिताभ जी ने स्वीकार किया कि उनकी आंत पेप्सी पीने की वजह से खराब हो गई थी जिसका बाद में ऑपरेशन हुआ। राजीव जी के मुताबिक अमिताभ जी ने यह भी कहा कि इसी वजह से उन्होंने पेप्सी पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और उसका प्रचार करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। आइए जानते हैं राजीव जी का सातवां दावा। अपने एक व्याख्यान में राजीव जी ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र के बुलावे पर वो महाराष्ट्र में एक व्याख्यान करने गए थे। एक कोई फिल्मी हीरो है, उनका नाम है धर्मेंद्र, उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने, मेरे व्याख्यान के कुछ 10 कैसेट निकले हैं, तो उन्होंने सुने और उन्होंने तुरंत फोन किया जो मैं राजीव दीक्षित से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, कहने लगे आपके 10 कैसेट सुनने के लिए मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई और घर नहीं गया जब तक कैसेट खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लगा आपको, मैं आपका एक व्याख्यान करना चाहता हूँ। मैंने कहा जरूर करिए मैं आऊंगा, क्या आपकी फीस क्या है। मैंने कहा मैं फीस नहीं लेता कभी व्याख्यान के लिए। जहाँ उन्होंने हेमा मालिनी से पूछा कि क्या वो लक से नहाती हैं, हेमा जी ने जवाब दिया कि वो लक से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती हैं। राजीव जी ने उनसे जब पूछा कि वो यह बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती तो हेमा मालिनी ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा सारे देश को बता दिया तो सारी औरतें हेमा मालिनी जितनी सुंदर हो जाएंगी। ये जान लीजिए कोई भी फिल्मी हीरोइन साबुन से नहीं नहाती, क्यों, उसका कारण है
जितने साबुन हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब होता है। और आप ये चाहें तो प्रयोग करिए, साबुन से नहाइए, नहाने के 20 मिनट के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचे, सफेद रंग की लाइन खींचे। दोस्तों आइए जानते हैं राजीव जी का आठवां दावा। स्वदेशी प्रचार में लगे राजीव जी कहते थे कि गाय के गोबर से बने साबुन से नहाने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही शरीर से खुशबू आने लगती है। सबसे अच्छा आपके यहाँ अकोला में गाय के गोबर से एक साबुन बनता, और गाय के गोबर से जो साबुन बनता है, पिछली बार मैं आया था यहाँ से खरीद के ले गया था, और मैंने मेरे सब दोस्तों को बांटा, मैं भी नहाता हूं। मैं आपको सच बताऊं कि उस साबुन से नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर में से खुशबू निकलती है। पुराने समय में राजा यज्ञ से पहले गोबर से नहाते थे, और राम जी को भी ऐसा करना पड़ा था। स्वदेशी कंपनियों के साबुन न खरीदने से देश का पैसा देश में ही रहेगा, ऐसा मानना था राजीव जी का। उनका नौवा दावा। राजीव दीक्षित जी के मुताबिक अमेरिका जम्मू कश्मीर को कैप्चर करना चाहता है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान को पैसा देता है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल सके और कश्मीर मसले पर भारत की नाक में दम कर सके। दोस्तों आइए जानते हैं उनका दसवां दावा। राजीव जी का एक व्याख्यान है जिसमें वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और एडविना से दोनों ही प्रेम करते थे। एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को एक साथ हैंडल कर रही थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के बेहद ही हल्के व्यक्ति थे। एडविना के पास नेहरू की आपत्तिजनक कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनके आधार पर वह नेहरू जी को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा करना चाहती थी, और उसने ऐसा किया भी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के इतने हल्के आदमी थे कि जानते हुए भी कि वो दोनों एक ही औरत से फंसे हुए हैं, वो आगे बढ़ते गए। एडविना ने दोनों को इस्तेमाल करना शुरू किया। 3 जुलाई 1947 को नेहरू जी एडविना से मिलने गए। रात को उसने फोटोग्राफ लिए, नेहरू जी के बेड में फोटोग्राफ लिए, और वो फोटोग्राफ नेहरू जी के लिए बहुत गंभीर तकलीफ का कारण बन गए। एडविना ने एक दिन वो फोटो दिखाए नेहरू जी को कि देखिए आपके फोटोग्राफ मेरे पास है, और वो फोटोग्राफ क्या है जो मैंने आपको बताया, अगर ये रिलीज कर दिए जाए पूरे भारत में तो आपकी क्या हैसियत होगी। ये दावे राजीव दीक्षित जी के किए हुए बहुत सारे दावों में से कुछ ही दावे हैं जो हमने आपको बताए हैं। इनमें से कुछ दावे विवादास्पद भी रहे, कुछ दावे सच साबित हुए, कुछ दावे गलत भी साबित हुए। दावे चाहे सही हों चाहे गलत हों, राजीव दीक्षित जी पूर्ण तरीके से देश को समर्पित थे। उन्होंने देश की पूरे मन से सेवा की और अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं राजीव दीक्षित जी के बताए गए नुस्खे आप अपने जीवन में जरूर अपना रहे होंगे और अपना इलाज स्वदेशी द्वारा कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों।